तो हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं रेडमी गो है और इस फोन में FRP लॉक है, यानी कि गूगल अकाउंट इसका लॉक हो चुका है और इसे कस्टमर ने हार्ड रीसेट किया था, उसके बाद इस तरह का ये प्रॉब्लम आया था। इसके ऊपर मैंने हार्ड रीसेट वीडियो भी बनाया है, तो जाके देख लीजिएगा यदि आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक हो जाता है तो उसे कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ इसका गूगल अकाउंट आपको फॉरगेट कैसे करना है, बाईपास कैसे करना है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसमें FRP लॉक है। तो चलिए मैं आपको पहले यहाँ पर FRP लॉक इसमें दिखाता हूँ है भी या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल अकाउंट मांग रहा है, जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपने प्ले स्टोर में डाला था वही ईमेल आईडी वही पासवर्ड सेम डालेंगे तो ही खुलेगा। यदि आप पासवर्ड बैकअप भी कर लेंगे तो भी डालेंगे, नहीं खुलने वाला क्योंकि इसके फाइल मेमोरी में अंदर में फिक्स हो चुका है। तो उसको बाईपास करने के लिए आपका जो है इसको रिप्लेस करना होगा इसका जीमेल वाला जो है सॉफ्टवेयर। तो उसे रिप्लेस करने के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल नया है चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। तो यहाँ पर हमें इमरजेंसी में आ गए और इमरजेंसी में आए पे क्लिक करना ऊपर में, जो जो मैं यहाँ पे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आप सेम फॉलो करिए, आपका हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे करिए। आपको जो है मेन स्क्रीन पे इमरजेंसी वाला ऑप्शन था, वहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन में जा सकते थे और यहाँ पे जो है मैसेज वाले ऑप्शन को क्लिक करके इन्फो में चले जाएंगे और यहाँ पर इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए परमिशन वाले ऑप्शन में जाना है, देखिए कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर मैं भी देख के फ़ोन में ही बता रहा हूँ सामने, और यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे, ऑल ऐप में आ चुके हैं और यहाँ पर एंड्रॉयड यूट्यूब गो वाले पे जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका जो है एंड्रॉयड गो खुल जाएगा, यूट्यूब गो तो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको अबाउट में इसके जाना है, तो यहाँ से बैक करेंगे, जो जो मैं कर रहा हूँ सेम आपको ट्राई करना है और आपका फाइनली फ़ोन खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम बैक आ चुके हैं फिर से, अब फिर से मैं उसी ऑप्शन में गया फिर से दोबारा, तो यहाँ पर आ चुके हैं, आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्रोम खुल चुका है। तो जो जो मैंने स्टेप फॉलो किया है सेम स्टेप फॉलो करिएगा, आपका फाइनली यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे सर्च में लिखना है एड रोम, तो यहाँ पे पहले मैं चल के दिखा देता हूँ इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। अबाउट में क्रोम के अबाउट में यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड 8 है, तो यहाँ पर हम इसे सर्च करेंगे एड रोम, एड रोम या तो आप डायरेक्ट ही डाउनलोड कर सकते हैं जो है। यहाँ पर हम लोग जो है गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड करेंगे 8.0 और यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे देखते हैं एड्रोम के साइट पे है, हाँ है। तो यहाँ से हम इसे क्लोज़ करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। अब डायरेक्ट भी 8.8 जो है एंड्रॉयड फाइल मैनेजर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक एपीको को आपको डाउनलोड करना है फाइल मैनेजर, ये गूगल फाइल मैनेजर हो गया। और उसके बाद है FRP बाईपास ऐप, तो यहाँ पे जो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आप भी सिलेक्ट करिए, सेम स्टेप को फॉलो करते रहिए। आपको दो ऐप्स लगेगा, गूगल अकाउंट 8.0 और एक जो है FRP बाईपास ऐप। FRP बाईपास ऐप आप लोग कई सारे फ़ोन में यूज़ किए होंगे, तो काफ़ी इजीली यहाँ पे हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले गूगल अकाउंट मैनेजर को। तो यहाँ पर हमारा जो है रिप्लेस हो जाएगा, नया जीमेल आईडी यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह से इस स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा और इसे डन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसे डन करते हैं, हाँ अब ले लिया। और यहाँ पे हम लोग FRP बाईपास APK को भी डाउनलोड करते हैं, देखिए ये तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी हो चुका है इंस्टॉल, तो यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करेंगे, इसे ओपन करना होगा आपको। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, एक आपको डन खाली दिखाएगा, एक आपको इंस्टॉल ओपन दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको साइड में क्लिक करना है, यहाँ पर ब्राउजिंग सिंग में क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जो आपके पास है, जिसका पासवर्ड पता है, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, आपका फ़ोन में एक नया जीमेल ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप अपना FRP बाईपास कर लेंगे। तो ये काफ़ी इजीली मैंने बाईपास करके आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड हाइड करके रखा हूँ, यहाँ पर आप भी अपना कोई जो है डाल दीजिएगा ईमेल आईडी पासवर्ड जो आपके पास है और जिसका पासवर्ड ईमेल आईडी पता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया है और यहाँ पे ये लॉगिन हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम फ़ोन को रीस्टार्ट कर देंगे एक बार। तो यहाँ पे हमारे सामने स्टेप आ जाएगा, रीस्टार्ट कर दिए हैं, या बैक भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब रीस्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आ चुका है, अब फिर से हम नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद आप देखते हैं हमारा ऐड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ चुका है वाईफाई वाले सेक्शन में, यानी कि हमारा गूगल अकाउंट ऐड हो चुका है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। यहाँ पर देखिए पासवर्ड यदि आपको लगाना है तो लगाइए, और मेरा एक चैनल है सेकंड लग, जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं अपने शॉप पे जो प्रोडक्ट सेल करता हूँ, गैजेट अनबॉक्सिंग रिव्यू और यूट्यूब टिप्स, ये सब सारी चीज़ देता हूँ, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, चैनल वो लोगों इस तरह का है।
तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है, इसका सेटअप कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारा जीमेल ऐड हो चुका है और मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, उस पर मेरी वाइफ ब्लॉग डालती हैं, तो जाके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैप्पी टू हेल्प नाम है उस चैनल का, यहाँ पे लोगों में दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को घर बैठे मैं काफ़ी अच्छे अच्छे जो है मोबाइल अनलॉकिंग के वीडियो देता हूँ, तो आप लोग को कैसा लगता है। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके फॉलो करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हमें जो है FRP बाईपास APK को इंस्टॉल किया था, इसे हम अनइंस्टॉल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे अनइंस्टॉल कर दिए। चलिए हम सेटिंग में इसका मॉडल नंबर दिखाते हैं। इसे तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत सारे इस पर वीडियो बने हैं, क्योंकि मेरे शॉप पे आया तो मैंने सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना के दे दिया जाए ताकि आप लोग भी कुछ सीख पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इजीली ये अनलॉक हो चुका है। और भी मैंने ओप्पो A53 ये सब काफ़ी सारे नए मॉडल के ऊपर वीडियो डाल रखी है, चैनल पर विजिट करिए, हर एक मोबाइल की अनलॉकिंग आप लोग को देखने को मिलेगी। और भी कुछ पूछना है तो कमेंट करते रहिए, हर संडे को लाइव भी आता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।